दस वर्षों की सरकार में मायावती जी को इन लोगों ने बहुत थ्रेट किया। आप जाइए, जो बहन जी के खास लोग हैं उनसे पूछिए कि यूपीए की सरकार में जब बसपा भी सपोर्ट में थी तो क्या बसपा के लोगों को ईडी और सीबीआई की धमकी नहीं मिल रही थी? क्या बहन जी को ईडी और सीबीआई की धमकी नहीं मिल रही थी? आज लोग आरोप लगा रहे हैं, बहन जी भाजपा के डर से इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि कहीं ईडी और सीबीआई न लगे। अरे यूपीए की सरकार में ईडी सीबीआई लग चुकी है पहले ही, जब वो सरकार में भागीदार थे, बहन जी थी, बसपा जब उसमें हिस्सेदार था तब आपने नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस हमेशा अपने लोगों को उलझाती थी, कारण क्षेत्रीय पार्टियां न उठ पाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने लालू प्रसाद के परिवार को ऐसा फंसाया कि आज तक तेजस्वी तक मुक्त ना हो पाया, तेज प्रताप भी मुक्त ना हो पाया, मीसा भारती भी मुक्त ना हो पाई, पूरे परिवार को उलझा दिया। दस वर्षों में अगर कांग्रेस चाहती तो लालू जी को क्लीन चीट मिल सकता था। तो जब 19 में आपकी बुआ थी और कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, तो 24 में इन 5 वर्षों में बुआ ने क्या किया ऐसा कि आप बुआ से इतना नफरत करने लगे? जब जब आप कहेंगे कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस है तभी आप रॉन्ग नंबर डायल करते हैं। भाजपा का विकल्प बीएसपी है। कांग्रेस तो बार बार कह रही है ना कि हमें बसपा की जरूरत पड़ेगी 2024 में, बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो कब जरूरत पड़ेगी? चुनाव के बाद। हाँ। चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किए? चुनाव हो रहा अब, तमाम गठबंधन तैयार हो रहे हैं अब, तुम्हारी रणनीति का खुलासा नहीं, तुम्हारे नेता का खुलासा नहीं। यदि आप नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो आपको बलिदान और त्याग देना पड़ेगा, मुद्दों को केंद्र में लाना पड़ेगा, धार्मिक उन्माद को कम करना पड़ेगा, धार्मिक मुद्दों से आम जनों का ध्यान हटाना पड़ेगा, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली पानी। सवाल नंबर एक कि असम के चुनाव में जो आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपने AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो बदरुद्दीन अजमल साहब लोकसभा के सदस्य हैं, उनसे आपका गठबंधन था। तो विधानसभा में जब आपका गठबंधन था तो लोकसभा में क्यों नहीं, एक सवाल रहेगा। दूसरी बात के 2019 के चुनाव में आप बसपा के साथ थे, सपा बसपा कांग्रेस रालोद सबने मिलकर चुनाव लड़ा 19 में, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, अभी विधानसभा की नहीं। तो तब बसपा आपकी नजर में क्या थी? 19 से पहले बहन जी ने कौन सा ऐसा फैसला नहीं लिया था जिसको आप आधार बना रहे हैं, या 19 के बाद बहन जी ने कौन सा नया फैसला ले लिया कि आप अछूत या रिजेक्ट कर रहे हैं? सवाल तो पूछा जाएगा, जनता पूछती है सवाल भाई, जनता ऐसे नहीं वोट देती है, जनता सवाल पूछ रही है इंडिया के अन्य घटक दलों से, और वो बुआ बोलने वाले उस भतीजा से भी सवाल है कि तब आपकी बुआ आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तो जब 19 में आपकी बुआ थी और कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, तो 24 में इन 5 वर्षों में बुआ ने क्या किया ऐसा कि आप बुआ से इतना नफरत करने लगे? जिस MIM को पानी पी पी कर आप बी टीम कहते हैं, उस MIM ने ये साबित किया कि बी टीम नहीं है। तेलंगाना में बी टीम कहने वाली सरकार में पहुंच गई और MIM जहां थी वहीं अटकी रह गई, तो मतलब फिर बी टीम नहीं है, एक बात बता रहा हूं। तो अब जो ये स्वरूप इन्होंने नया पेश किया है, इससे ये लग रहा है कि 19 में इनकी मंशा साफ नहीं है। कांग्रेस ही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहे। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो सब बात छोड़कर एक ही बात रटे हुए हैं कि भाजपा से लोग थक जाएगा जिस दिन, उस दिन हमें खुद ही वोट दे देगा, यानी मैं ही राष्ट्रीय विकल्प हूँ। बस यही सोच कांग्रेस के लिए काल है, कांग्रेस के लिए मौत है। और देश के लोगों से मैं कहता हूँ, और देश के बहुजनों से कहता हूँ, विशेषकर मैं मुसलमानों से और दलितों से कहता हूँ, ये अक्सर कहते हैं कि आप कहते हैं कि भाजपा को वोट देना नहीं है, कांग्रेस को वोट देना नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? अरे भैया, तुम्हारे पास विकल्प की कमी है क्या? क्या नहीं है तुम्हारे पास भाई, क्या नहीं है? ये सवाल मेरे पास है। सारे विकल्प हैं। कोई चुनाव चिन्ह से सरकार नहीं बनाता, कोई चुनाव चिन्ह से नहीं, वोट से बनता है, इंडिपेंडेंस भी जीतता है। नव कुमार सरानिया हीरा भाई जो है कोकराझार से इंडिपेंडेंस जीते हैं 2 बार, लोगों ने वोट दिया ना भाई। तो आपका वोट महत्वपूर्ण है, आप अपने लोगों को मजबूत कीजिए।
समान विचारधारा वालों को मजबूत कीजिए, अपने दल को मजबूत कीजिए, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। तो मैं दलितों और मुसलमानों से विनती करता हूं कि कांग्रेस को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना छोड़ दीजिए। जब जब आप कहेंगे कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस है, तभी आप रॉन्ग नंबर डायल करते हैं। भाजपा का विकल्प BSP है, भाजपा का विकल्प MIM है, भाजपा का विकल्प अन्य क्षेत्रीय दल भी है जो अपनी जगह पर बहुत मजबूत है और अपने क्षेत्र और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रही। आप उसको विकल्प बनाइए। एक बात और नोट करना है दलितों और मुसलमानों को कि मजबूत सरकार मजबूत लोगों का भला करती है। मजबूत सरकार अडानी अंबानी का भला कर सकती है, कमजोर सरकार कमजोर लोगों का भला करेगी, और कमजोर सरकार गठबंधन की सरकार होती है, आज के गठबंधन की नहीं। आज तो फर्जी गठबंधन है, चूंकि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, वो तो टाइम पास में कई दलों को लिए हुए कि तुम रहो, सत्ता का मलाई हम खा लेंगे, नीचे का दूध तू भी दो चार घोट पी लेना, जैसे राजभर जी गए हैं दो घोट पीने के लिए। अब क्या घोट मिलेगा, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, एकाध कप दूध तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब गठबंधन की वो सरकार जिसमें क्षेत्रीय दल यदि चाहे तो सरकार गिराने और बनाने में सक्षम हो, तब आपकी तमाम बातें सुनी जाएंगी और आपका कल्याण उसी में होगा, आपके विकास पर चर्चा तभी होगी, आपके लिए प्लानिंग तभी बनेगा जब तमाम क्षेत्रीय दलों की मिली जुली सरकार होगी। और यह संभव तब है जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को आप किनारे पर लाएं। यदि इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं तो ये वो बड़ी मछली है जो तमाम छोटी मछलियों को निगल जाती है। तीसरा विकल्प बनाना पड़ेगा, मैं शुरू से कह रहा हूं, तीसरा विकल्प, और वो विकल्प बहुजन विकल्प है। आप जब नारा देते हैं कि पिछड़ों एक हो जाओ, दलितों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, तो ये अल्पसंख्यकों और दलितों और पिछड़ों को एक करके कहां ले जा रहे हैं, किसके पास ले जा रहे हैं, कांग्रेस के पास? तो फिर भाजपा और कांग्रेस में आप में फर्क क्या नजर आया, आप जरा हमें बताइए। पर कांग्रेस तो बार बार कह रही है ना कि हमें बसपा की जरूरत पड़ेगी 2024 में, बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो कब जरूरत पड़ेगी, चुनाव के बाद? हाँ। चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किए, चुनाव हो रहा अब, तमाम गठबंधन तैयार हो रहे हैं अब, तुम्हारी रणनीति का खुलासा नहीं, तुम्हारे नेता का खुलासा नहीं, तुम्हारी पॉलिसी आम पब्लिकों के बीच अभी तक आई नहीं, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी को ए ये होगा, बी वो होगा, सी वो होगा, डी वो होगा, आप ए से जेड तक की प्लानिंग दीजिए। आपके पास वो प्लानिंग प्रस्तुत करने वाली टीम नहीं है, ठीक है? गोल-गोल घुमा रही है, बिल्कुल गोल घुमा रही है, और वो गोल खुद घूम भी रही है। उसके प्लानिंग में एक ही प्लानिंग है कि मोदी जी से जिस दिन सब लोग थक जाएंगे, देर सवेर हर सरकार से लोग थकते हैं, आप पुलाव और क्या कहते हैं रसगुल्ला भी रोज खिलाइएगा, लोग थक जाएंगे, उसको लगेगा यार अब दाल खाना ही चाहिए, थोड़ी सब्जी खानी ही चाहिए, थोड़ी सादी रोटी भी खानी चाहिए, हमेशा पराठा तला हुआ ठीक नहीं लगता। ये मानव स्वभाव है, इंसान की फितरत है कि चीज़ अच्छी भी हो तो ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिकता, डेली पुलाव गोश्त खिलाएगा आदमी थक जाएगा। आप न्याय यात्रा कर लो, अन्याय यात्रा कर लो, जोड़ो यात्रा कर लो, तोड़ो यात्रा कर लो, सरपटको यात्रा कर लो, या दंडवत करके खड़े हो जाओ, 50 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को 2024 में नहीं आ रही। नहीं, गठबंधन मजबूत करने के, गठबंधन अब कब मजबूत होगा, क्यामत में? अब खत्म हो गया सब कुछ, 2 महीना के बाद चुनाव होगा, अभी आपका गठबंधन 6 महीना से इनकी मीटिंग हो रही, पहली मीटिंग कब हुई थी पटना में ये बताइए, पहली मीटिंग कब हुई थी पटना में? अब पूरे 5 महीने हो रहे हैं, उसके बाद बेंगलोर में मीटिंग, मुंबई में मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग, शिमला में, कहाँ कहाँ मीटिंग करो, मीटिंग ही करते रहोगे कि कुछ काम भी करोगे? एक दिन का काम है, बैठे और तय, बलिदान और त्याग चाहिए तब होगा। हाँ चाहिए, सब हम ही बनेंगे, नो, ऐसे गठबंधन नहीं होता। आज की तारीख में आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। यदि आप नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो आपको बलिदान और त्याग देना पड़ेगा, मुद्दों को केंद्र में लाना पड़ेगा, धार्मिक उन्माद को कम करना पड़ेगा, धार्मिक मुद्दों से आम जनों का ध्यान हटाना पड़ेगा, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली पानी,
इस पर आपको पब्लिक को जोड़ना पड़ेगा। और उनके जो मुद्दे हैं, जो कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं कथित तौर पर, जिस कानून से आम जनों के हित प्रभावित हो रहे हैं, उस विषय में आम लोगों को जागरूक करना होगा। ये सारे विषय हैं तो इनके पास नहीं। बेरोजगारी बहुत है, आपके पास डेटा नहीं है। महंगाई बहुत है, आपके पास डेटा नहीं है। भाजपा प्रवक्ता जब आपके सामने आता है तो आपको पटक देता है, वो बताता है कि 14 में अगर आलू था 15 रुपए किलो और 25 में अगर है 20 रुपए किलो, तो 5 रुपया जो है वो एक एवरेज है महंगाई का। वो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि इंदिरा गांधी के ज़माने में तो आलू 50 पैसे किलो था, तो उस हिसाब से जोड़े तो बहुत महंगा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में कड़ुआ तेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सरसों का तेल, वो तो 15-16 रुपये किलो था। तो वो ऐसे आप डेटा देंगे तो पब्लिक कन्फ्यूज आ जाएगी। कन्फ्यूजन में मत डालिए। विपक्ष ने हार मान रही है पहले। विपक्ष हार नहीं मानी है, कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी है कि क्षेत्रीय पार्टियों को उठने न दिया जाए। बसपा सर न उठाए, सपा सर न उठाए, आरजेडी सर न उठाए, टीएमसी सर न उठाए, जेडीयू सर न उठाए, डीएमके। अब एक कहानी लास्ट सुना के मैं, कांग्रेस की सरकार 10 साल थी 2004 से 2014 तक, उसमें डीएमके भी शामिल था, उसमें आरजेडी, यूपीए उसका नाम था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, प्रगतिशील गठबंधन उसका जो भी नाम था, तो उसमें डीएमके, यो आज स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, स्टालिन के घर पे 4 बजे सुबह में सीबीआई का छापा, सीबीआई का रेड। जिस सीबीआई को गुजरात भेजना चाहिए था कांग्रेस सरकार को, उस सीबीआई को कहाँ भेजा, स्टालिन के घर पे। जानते हैं क्यों? हिले तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें समर्थन देना है और काम मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। लालू जी को, आज लालू जी जो जेल गए कब गए, ये सवाल मैं पूछता हूं। आप कहते हो मोदी जी अपने लोगों को बचा लेते हैं, टेनी को बचा लिया ना, मंत्रिमंडल भी नहीं छीना ना, वही हिट एंड रन कांड ही तो वो भी था। आप दूसरों को तो 10 साल के लिए टांग रहे हैं। मैं ना मंत्री जी का बेटा जो दिन में थार चढ़ा दिया, जिसमें दुनिया ने देखा कि किसकी गलती थी, जानबूझकर जबरन मारा, जबरन हत्या किया, मोदी जी ने बचा लिया ना भाई। मोदी जी ने अपने कई बलात्कारियों, जो आरोप है विपक्ष का, मैं अब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बृजभूषण शरण जेल में न गए, कहीं नहीं, उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त नहीं हुई ना। वो जो लोकसभा में कटुआ मुल्ला गाली बक रहा था, उसका कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मतलब अगर सरकार चाहे तो अपने लोगों को बचा सकती है, मैं बहुजनों को कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने लालू प्रसाद के परिवार को ऐसा फंसाया कि आज तक तेजस्वी तक मुक्त ना हो पाया, तेज प्रताप भी मुक्त ना हो पाया, मीसा भारती भी मुक्त ना हो पाई, पूरे परिवार को उलझा दिया। 10 वर्षों में अगर कांग्रेस चाहती तो लालू जी को क्लीन चीट मिल सकता था। 10 वर्षों की सरकार में मायावती जी को इन लोगों ने बहुत थ्रेट किया। आप जाइए, जो बहन जी के खास लोग हैं उनसे पूछिए कि यूपीए की सरकार में जब बसपा भी सपोर्ट में थी तो क्या बसपा के लोगों को ईडी और सीबीआई की धमकी नहीं मिल रही थी? क्या बहन जी को ईडी और सीबीआई की धमकी नहीं मिल रही थी? आज लोग आरोप लगा रहे हैं, बहन जी भाजपा के डर से इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि कहीं ईडी और सीबीआई न, अरे यूपीए की सरकार में ईडी सीबीआई लग चुकी है पहले ही, जब वो सरकार में भागीदार थे, बहन जी थी बसपा जब उसमें हिस्सेदार था, तब आपने नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस हमेशा अपने लोगों को उलझाती थी, कारण क्षेत्रीय पार्टियां न उठ पाएं, हम मालिक बनेंगे, यानी भाजपा वर्सेस कांग्रेस होना चाहिए, दूसरे दल का आप नाम नहीं लीजिए। तो भैया ये नहीं चलेगा, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टी है, उसका अपना महत्व है, उसका अपना समाज है, उसका अपना कार्य क्षेत्र है, वो अपने समाज की बात करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपका हित उन्हीं दलों में सुरक्षित है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो आपके हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ती हैं। आपका हित राष्ट्रीय पार्टियों में सुरक्षित नहीं है, और राष्ट्रीय पार्टियों को अगर आपने विकल्प के रूप में ले लिया तो इसका खमियाजा आपको आने वाले दिनों में भी भुगतना पड़ेगा। तमाम दल जो इंडिया गठबंधन के हैं, ये अपने ही करतूतों से चुनाव हारेंगे। अब 4 या 5 इनकी बड़ी मीटिंगें हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन की, और नतीजा ये है कि नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शुरुआत की थी इस गठबंधन की, नीतीश कुमार जी ने शुरू किया ये, जिसके जिनकी पहल पर तमाम दलों को न्योता मिला, तमाम दल जमा हुए, नीतीश कुमार जी खुद इस वक्त जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गठबंधन अभी भी कोई इसका स्वरूप अभी तैयार नहीं हुआ है। कितना दुर्भाग्य है कि आपकी 5 मीटिंगों में गठबंधन का कोई स्वरूप भी आपने तैयार नहीं किया। देश की जनता देख रही है,
देश की जनता समझ रही है और देश की जनता अब बोल रही है कि भाई इनके बस का तुमसे ना हो पाएगा भाई। अगर होना होता, मैं कहता हूं हम जैसे लोगों को 2-4 घंटे का टाइम दीजिए, उत्तर प्रदेश का फार्मूला, बिहार का फार्मूला, झारखंड का फार्मूला, बंगाल का फार्मूला, उड़ीसा का फार्मूला, कर्नाटका का फार्मूला, तेलंगाना का फार्मूला, आंध्रा का फार्मूला, गुजरात का फार्मूला, महाराष्ट्र का फार्मूला, सारे फार्मूले मैं आपको दे देता हूं। हमें 4 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डिजाइन कर देता हूं कौन पार्टी कहां पर लड़ेगी, अगर मगर के साथ ऑप्शनल करता हूं, और एक डिस्कशन के बाद सेकंड डिस्कशन में आप फाइनल लिस्ट मीडिया के सामने दे सकते हैं। लेकिन आपका कुछ ना, आपकी नीति का खुलासा हुआ ना, आपके नेता का खुलासा हुआ ना, आपके सीट का खुलासा हुआ ना, आपका संयोजक चुना जा सका ना, यह तय हुआ कि किस किस को और लिया जा सकता है, न ये तय हुआ कि किस बुनियाद पर हम मोदी सरकार को घेर सकते हैं। तो आपकी इतनी मीटिंगों में कुछ तय नहीं हुआ। पहली मीटिंग में मैंने कहा था कि आपको बसपा और MIM को और बदरुद्दीन अजमल साहब को, ये दो पार्टियों को कम से कम इंडिया गठबंधन का पार्ट बनाना चाहिए।